हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 13.3 प्रश्नावली पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर की शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण होता है तो क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट बनता है और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बाद में। इससे पहले वाले वीडियो तक हम लोगों ने 13.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर उनका लिंक मिल जाएगा, आराम से आप पहले उसको देखो, उसके बाद ये और अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि 13.2 में हमने आयतन संबंधी प्रश्न किए थे, वो इसमें यूज आने वाले हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी वहां से। इसके अलावा अगर नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जानने हैं, कौन कौन से हैं, प्रॉपर नोट्स चाहिए, रिवीजन वीडियोस वगैरह चाहिए, तो लर्न एंड शेप की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन मिलेगी वहां पर आपको, तो वहां कहीं एक्स्ट्रा और कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शुरू करते हैं हम लोग। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण होता है तो क्या होता है। इससे पहले जो हमने बाकी की प्रश्नावलियां करी है ना, उसमें ठोस वर्ड यूज नहीं था, सिंपल किसी एक शेप का दूसरे शेप से हम रिलेशन निकालते थे या आयतन वगैरह निकालते थे, एक शेप को दूसरे शेप के ऊपर रख करके उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते थे, ये सब करते थे। यहां पर एक सॉलिड चीज है, ठोस है, जिसको पिघला करके दूसरे ठोस में बदल रहे हैं और फिर उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो हम देख रहे हैं। तो देखो क्या सिचुएशन है, अभी तक ऐसी सिचुएशन थी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन देता था कि जैसे शंकु के आकार का कुछ अपने को बनाना है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना लगेगा, अंदर से भले ही खाली छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तंबू बनाना है मान लो, इस तरह के क्वेश्चन अभी तक आते थे। अब क्या है, अब यह है कि यह शंकु खोखला नहीं है, यह भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है, अंदर से एकदम पैक है, ये सब कुछ अंदर से भरा हुआ है। मान लो ये मोम का शंकु है, मोमबत्ती है इस आकार की, मोमबत्ती जनरली किस तरह की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, बेलनाकार होती है। मान लो बेलनाकार ना हो करके वो इस आकार की है, शंकु के आकार की है, यहां बत्ती निकली हुई है, इस तरह की मोमबत्ती है या मोम का इस तरह का शंकु बना रखा है। हमें क्या करना है, इसको पिघला करके दूसरी शेप में बदलना है। मान लो हम इसको पिघला करके, ये सॉलिड है अंदर से भरा हुआ है, मान लो एक बार के लिए एकदम भरा हुआ है, मोम का इस तरह से शेप बना रखा है, इसको पिघला करके हम इस शेप में बनाना चाहते हैं, बेलन शेप में लेके आना चाहते हैं इसको। तो हमने क्या किया, किसी एक ठोस को दूसरे ठोस में, किसी एक ठोस कौन सा है, मोम, उसको किसी एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरित किया। ठोस तो फिक्स है, मोम एक आकार लिया, उसको दूसरे आकार में रूपांतरित किया। कैसे किया, इस एक आकार की जितनी भी मोम है उसको पिघला दिया और इस शेप में बदल दिया उसको, और ठंडा होने दिया तो अपने आप इसमें बदल जाएगी। तो उस केस में क्या हुआ, हमने मोम की मात्रा को कम ज्यादा किया, बिल्कुल नहीं किया, हमारे पास तो जितनी पहले मोम थी उसको पिघलाया हमने और दूसरी शेप में उसी को ढाल दिया हमने, बस इतना काम किया है। तो एक शेप से दूसरी शेप में डाला है, मोम की मात्रा कम ज्यादा नहीं करी, ना इसमें से कुछ निकाला है ना इसमें कुछ डाला है, बस गर्म करके पिघलाया, लिक्विड में बदला और फिर ऐसे शेप में लेके आ गए। तो इससे क्या हुआ, एक्चुअल में अगर आपने उसको लिक्विड में बदल दिया तो लिक्विड में अगर कोई चीज बदल रही है तो फिर आयतन बीच में आ जाता है, आयतन सेम रहता है उस केस में। पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्क पड़ सकता है उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन क्या फर्क नहीं पड़ेगा, आयतन में फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी एक शेप में। मतलब अगर कोई इस तरह का मोम का शेप है तो इसका आयतन निकाल लो या इसका आयतन निकाल लो, एकदम सेम आने वाला है, कोई फर्क नहीं आएगा अगर इसको पिघला करके दूसरे शेप में बदला है तो। ये मोम के लिए ही नहीं है, हर किसी के लिए है, कोई भी सॉलिड चीज किसी चीज की बनी हुई है, जैसे मान लो कांच की बहुत सारी चीजें बनती है, कांच की बहुत सारी डिजाइनर चीजें बनती है, आप नेट पे भी देखोगे तो बहुत चीजें मिलेंगी। तो कांच की किसी एक शेप को दूसरी शेप में बदल देते हैं वो लोग, पिघला करके, गर्म करके, एकदम कांच बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, लगभग लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और उसको अलग अलग तरह की शेप्स दे देते हैं और डिजाइनर कुछ अच्छे दिखने वाली सुंदर सी चीजें, सजाने की चीजें बना देते हैं या फिर कुछ और काम की चीजें बना देते हैं। तो वो काम भी क्या हो रहा है, किसी एक शेप से किसी ठोस को, ठोस कौन सा है यहां, कांच, उसको किसी एक शेप से दूसरे शेप में बदल रहे हैं, उससे क्या होगा, आयतन समान रहेगा, जितनी कांच की मात्रा है वो समान रहेगी। क्यों, मोम में या कांच में क्या किया हमने, उनको पिघलाया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और लिक्विड तो जितना गिलास में आपको दिख रहा है उसी लिक्विड को दूसरे में कन्वर्ट करोगे शेप में, इसका मतलब लिक्विड गिलास में कितना दिख रहा है वो उसका आयतन है, तो आयतन सेम रहता है। ये एक विशेष बात है, की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, बस यही ध्यान रखनी है। अगर आपको ये लाइन ध्यान रह गई पूरी प्रश्नावली में एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये गारंटी है। तो क्या होता है, किसी एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण होता है तो आयतन हमेशा
आयतन सदैव समान रहे। भाई हमने उदाहरण लिया था मोम का या कांच का, ये मिट्टी का आ गया। मिट्टी भी तो कर सकते हैं ना, गीली मिट्टी होती है उसको हर शेप में बदल दो आप, तो जिस शेप में बदलोगे उनका आयतन समान ही रहेगा, क्योंकि मिट्टी की मात्रा नहीं चेंज करी आपने, उसी मिट्टी से बाकी चीजें बना रहे हो। तो मात्रा अगर आपने चेंज नहीं करी मतलब आयतन आपने नहीं बदला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जरूर बदल सकता है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। मैं बना देता हूं एक शंकु, देखो क्या हुआ है। हुआ यह है कि एक मिट्टी से एक शंकु बना रहे हैं, यह शंकु बना दिया, यह एक शंकु बना दिया, ठीक है। ऊंचाई ली है 24 सेंटीमीटर, ले लेते हैं ये 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई यहां से यहां तक, और आधार त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर के ये चीज 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। ये गीली मिट्टी है या मॉडल बनाने वाली मिट्टी है, वो वैसे इसी तरह की होती है, शेप उसकी चेंज कर सकते हो। तो इसको यूं किया और गोला बना दिया, यूं यूं करके एकदम गोला बना दिया। गोला बना दिया तो इसको कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से, किसमें, गोले में। और गोले में तो एक ही चीज काम की होती है, वो होती है त्रिज्या, कैपिटल आर लेते हैं इसको, ये स्मॉल आर बोल देते हैं हम लोग इसकी त्रिज्या को, स्मॉल आर बोल देते हैं, ठीक है। ये एच हाइट हो गई मान लो एक बार के लिए। अच्छा, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, हमें आर ही निकालने को बोला गया है। और बहुत सिंपल तरीका है निकालने का, क्योंकि उसने एक शेप को दूसरी शेप में बदला है, इसका मतलब यह हो गया कि दोनों शेप का आयतन समान रहेगा। आयतन समान होते ही आपको आर मिल जाएगा, आयतन के सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 13 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयतन के सारे क्वेश्चन हमने उसी में किए हैं। तो अब यहां पर शुरू करते हैं, शंकु का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, क्योंकि एक से दूसरा बनाया है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां कैपिटल आर लिया है गोले की त्रिज्या, यहां स्मॉल आर इसकी त्रिज्या, और एच तो लेना ही था, ठीक है। क्या क्या कट रहा है उसको काट लो, जो बच रहा है उसको बचा लो। 3 से 3 कट गया, और क्या कट रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई भी काट लो, जो बचा है उसको लिख लो। अब ज्यादा कुछ कैलकुलेशन बची नहीं है, अपने को आर निकालना है। क्या बचा है पहले लिख लेते हैं, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4 आर क्यूब, मान रख दो बस। आर स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6 गुणा एच का मतलब 24, और बराबर में 4 आर क्यूब। आप इस 4 को इससे काट लो, 4 6 का 24 होता है सीधा सीधा, और क्या बन रहा है ये 6 गुणा 6 गुणा 6 मतलब 6 का क्यूब बराबर आर का क्यूब, तो आर का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आर का मतलब 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर के ही गोले में बदल जाएगा। ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इसकी त्रिज्या 6 आई है तो इसकी भी 6 ही आए, ये केवल एक कोइंसिडेंस है, संयोग है कि दोनों की त्रिज्या का मान समान आया है, अलग भी आ सकता है, आप उस पर बिल्कुल ना जाएं। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि केवल आयतन समान रहता है, अब उससे जो बने वो बने, अपने को नहीं मतलब, आयतन समान रहेगा, बाकी कुछ भी समान रहे नहीं रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है, समान रह भी सकता है, समान नहीं भी रह सकती कोई और चीज, लेकिन आयतन की गारंटी है कि वो समान रहेगा, और आपको क्वेश्चन उसी डायरेक्शन में लेके जाना है, आयतन से ही शुरू करते हुए जाना है, अपने आप जो चीज अननोन है वो निकल जाएगी। मैं अगला उदाहरण लेता हूं, उदाहरण नंबर 9। देखिए 9th उदाहरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, इंपॉर्टेंट लगा लो अभी से, इसके स्टार लगा लो। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। जनरली छतों पे हमारे बेलनाकार टंकी होती है ना, ब्लैक कलर की होती है बेलनाकार टंकी, उस तरह की छत पे बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। भाई नीचे घर में टैंकर होता है, टैंक बना होता है घरों में, बहुत सारे घरों में बना होता है, बहुत में नहीं भी बना होता है। तो जिनमें टैंक बना होता है जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो घनाप के आकार का होता है, तो वैसे ही यहां पर सेल्वी के घर में भी घनाप के आकार का टैंक है, और ऊपर छत पे टंकी जो है वो बेलन के आकार की है। टैंक से पानी टंकी में चढ़ाना है अपने को, मोटर द्वारा, मोटर ऑन करी पानी चढ़ जाएगा सिंपल में, जो घरों में होता है रेगुलर उसी का एग्जाम्पल दिया है। बहुत सिंपल और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मतलब सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त है, कंसेप्ट अच्छा है इसमें,
देखो आगे क्या बोला है, यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की जिसकी विमाएं भी दे रखी है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उसे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं उसके बाद आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। मेरे ख्याल से देखो, सबसे पहले तो टैंकर बना रहा हूं मैं जो कि घनाभ के आकार का है। घरों में टैंकर होता है वो घनाभ के ही आकार का होता है जनरली, तो वो मैं यहां पर पहले बना देता हूं। ये घनाभ के आकार का टैंकर हो गया, ठीक है। और टंकी है छत पे, टंकी किस शेप की है? बेलनाकार। ये बेलनाकार टंकी हो गई। अब ये मत सोचना कि मैंने टंकी इतनी बड़ी बना दी, टैंकर इतना छोटा बना दिया, वो दिखाने के लिए बनाया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा, पर टंकी तो थोड़ी छोटी होती है टैंक से, है ना। अब यहाँ पर टैंक में पानी भरा हुआ है, हमने क्या किया इस टैंक से पानी यहाँ पर चढ़ाया, पानी चढ़ाया यहाँ से, मैं लिख देता हूँ पानी चढ़ाया, ठीक है, कुछ और मत चढ़ाना। तो यहाँ से अब आपने पानी चढ़ाया तो भाई इसमें से कुछ पानी खाली होगा। कितना पानी खाली हुआ, कितनी ऊंचाई तक पानी खाली हुआ, अपने को यही बताना है एग्जैक्टली। ये पहले पूरा भरा हुआ था लेकिन क्योंकि हमने पूरा पानी इसमें चढ़ा दिया है, इसको तो फुल कर दिया है, तो टैंक थोड़ा खाली होगा। कितना खाली हुआ है अपने को बस यही बताना है क्वेश्चन में, और इसकी डायमेंशंस दे रखी है अपने को, सब कुछ दिया हुआ है। इस टैंक के लिए हमें एल बी एच तीनों के मान दे रखे हैं, एल भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, और सेम काम इसके साथ भी किया हुआ है। तो मैं वो लिख देता हूं क्या क्या दिया हुआ है। एल की मान है इसमें तो 1.57 मीटर हाई, चौड़ाई है 1.44 मीटर और ऊंचाई है 95 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बारे में क्या बोला है कि त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक देखोगे तो 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और ऊंचाई इसकी दे रखी है अपने को 95 सेंटीमीटर, यह भी 95 सेंटीमीटर दे रखी है। अब भाई सेंटीमीटर वाले लोग ज्यादा हो गए और मीटर वाले तो वैसे ही पॉइंट्स में दिख रहे हैं, तो बेहतर है इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो। 100 से गुणा करोगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और इसको 100 से गुणा करते ही ये 157 सेंटीमीटर, और इसको 100 से गुणा करते ही ये 144 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो सब कुछ हमने सेंटीमीटर में बदल दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लगे हमारे को, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को बताना है कि भाई ये तो इतना था पहले से, इतना 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 पानी फुल भरा था, ये पानी यहां पर खाली किया मतलब इसको फुल भर दिया, तो पानी का लेवल कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। यहां से पानी इधर गया तो यहां पानी कुछ खाली हुआ, अपने को यह बताना है कि भाई कितना पानी खाली हुआ, यह ऊंचाई कितनी आएगी, यह अपने को बताना है। अपन एक काम करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एच ले लेते हैं क्योंकि यह हाइट ज्यादा है, यह कैपिटल एच ले लेते हैं, और या एच वन एच टू एच थ्री नाम दे दो, जो आपको नाम देना है, कैपिटल एच में नाम दे देता हूं फिलहाल। तो यहां पर यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई कैपिटल एच नाम दे रहा हूं मैं, ये स्मॉल एच दे रहा हूं, और इसको मैं एच टू नाम दे दे रहा हूं, ठीक है, समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। इसको आर, इसको एच टू नाम दे दिया, एल बी और ये सब क्लियर है मेरे ख्याल से। अब देखो ध्यान से, जितना पानी यहां से खाली हुआ उतना ही यहां चढ़ा, तो मतलब खाली हुए पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन, ये बात क्लियर है। हमें यही बताना है कि ये कितना ऊंचाई तक पानी रह गया, अब इसमें ये कितना ऊंचाई तक रह गया, अगर ये कैलकुलेट करना हो तो हम कैपिटल एच में से स्मॉल एच माइनस करेंगे तो आ जाएगा। कैपिटल एच टोटल हाइट है, स्मॉल एच जितना खाली हुआ है उतनी हाइट है, तो हमें यह बताना है कि कितना बच गया, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बच गया। कितना खाली हुआ, जितना बेलन में पानी है जो कि खाली होकर के पानी इसी में गया है, तो जितनी हाइट यहां से खाली हुई है वो उतना पूरा यहां का आयतन है। तो अब आप क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे खाली हुए पानी का आयतन, खाली हुए पानी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार टंकी का आयतन, ठीक है, बेलनाकार टंकी का आयतन। खाली हुए पानी का आयतन कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो भाई, ये घनाभ था पहले, पानी पूरा भरा हुआ था, घनाभ में भरा हुआ था, अभी भी घनाभ में ही भरा हुआ है, ध्यान से समझो इस बात को, क्योंकि इतना ऊंचाई का घनाभ था, अब इतना घनाभ है, इतना पानी खाली हुआ है ना,
तो आप तो इतनी ऊंचाई के साथ उसका आयतन निकाल लो भाई। घनाभ ये शेप में है, बीच में से काटा है, तो एक तरीके से ना लंबाई चेंज करी ना चौड़ाई चेंज करी, सिर्फ ऊंचाई चेंज हो गई है। तो इस पानी की, जो खाली हुए पानी की ऊंचाई ये है स्मॉल एच, बाकी लंबाई चौड़ाई तो यही कंसीडर की जाएगी अभी भी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग खाली हुए पानी का आयतन, खाली हुआ पानी भी घनाभ आकार ही है, घनाभ के आकार का ही है, इसलिए इसका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच ही लिखा जाएगा। बेलनाकार टंकी का आयतन आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह यहां एच टू लिया गया है तो यहां एच टू ही ले लो, ठीक है। आगे क्या करोगे, आगे यहां पर सिंपल सा काम है, बस रख दो भाई 157 तो यहां हो गया, पी का मान 144 रख दोगे और एच का मान एच ही रहेगा, वो निकालना है हमारे को, बराबर है। पाई का मान 3.14 क्वेश्चन में लेने को बोला है, आर स्क्वायर का मतलब 60 गुणा 60 लोगे आप, और H2 आपका 95 है, तो H कितना आ गया हमारे पास 3.14 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 95 बटे में 157 गुणा 144, ये हमारे पास जो बनेगा वो फाइनल H का मान है। अब एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं इसको, तो यहां से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 लग जाएगा, दो जीरो लग जाएंगी, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो ये सीधा सीधा दो बार कट रहा है, डायरेक्ट दो से कट रहे हैं, और इसको अगर छह से काटोगे तो ये 10 बार छह से, और ये 6 × 12 6 × 24, और फिर से आप इसको काटोगे अगर छह से ही तो 10 बार ये, और 6 × 24 4 ही आ गया, और दो से इसको काटोगे तो ये दो बार कट रहा है, और ये दो जीरो से दो जीरो, बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन हुई है, दो जीरो से दो जीरो गई है, कितना बच रहा है फाइनल, फाइनल बच रहा है हमारे पास में 95/2, ऊपर 95 बचा सिर्फ और नीचे बचा 2, तो 47.5 सेंटीमीटर, इतनी ऊंचाई तो खाली हुई है, इतनी ऊंचाई खाली हुई है, बचा कितना पानी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, टंकी में बचा पानी, टंकी या टैंक जो भी बोलना चाहो, बचा पानी, कितना पानी बचा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच है 95 सेंटीमीटर, में से माइनस करोगे आप 47.5 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 47.5 सेंटीमीटर पानी खाली हुआ है, मतलब जस्ट हाफ हुई है टंकी। अपने को और क्या बोला गया है, दूसरा एक और क्वेश्चन इसी में बोला गया है, वो ये बोला गया है कि भाई छत की टंकी की धारिता, धारिता मतलब आयतन, धारिता और आयतन एकदम समान शब्द हैं, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए, तो छत की टंकी की धारिता इधर कर लेते हैं, छत की टंकी की धारिता बटे, तुलना मतलब वो डिवाइड ही करके निकालना है, रेशो ही निकालना है एक तरीके से, तुलना में ये बड़ा है ये छोटा है किस अनुपात में है वो सब आता है, जब भी तुलना का बोले तो आप अनुपात निकाल दिया करो। तो छत की टंकी की धारिता बटे भूमिगत, भूमिगत टंकी की धारिता कितनी आएगी, छत की टंकी की धारिता आप देखो तो ये रहा बेलनाकार टंकी का आयतन, इसी से आया था, मतलब यही था, डायरेक्ट लिख दूं मैं 3.14 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 95 बटे बटे भूमिगत टंकी का धारिता एल बी एच, पूरी टंकी की धारिता पूछी हो तो सिंपल अनुपात निकालने को बोला है, तो एल बी एच के हिसाब से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, आप फॉर्मूला लगा गुणा 144 गुणा 95, ठीक है, कितना आ रहा है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना ज्यादा, ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है, ये पॉइंट हटाया नीचे दो जीरो लगा दी, दो जीरो लगाते ही वो दो जीरो तो यहां से काट लो, ये ठीक है, और उसके अलावा ये सीधा सीधा दो बार कट रहा है, उसके बाद में दो से इसको काटो, 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4, ये 6 से काटोगे तो 12 और फिर से 6 से काटोगे तो 2, सिर्फ ऊपर 1 बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब नीचे 2 बचा, तो आंसर क्या आया 1/2, मतलब ये आधी है इसकी, इसकी धारिता इस टैंक की धारिता की आधी है, मतलब टैंक में 2 टंकियों के बराबर पानी है, टैंक को खाली करोगे तो 2 टंकियां भर सकती है पूरी उससे एक बार में, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे थे, एक तो ये पूछा था कि कितना पानी इसमें बचा है, वो निकालने के लिए हमने
पहले ये निकाला कि कितने पानी की ऊंचाई कम हुई है यहां पर, कितना पानी निकला है या कितनी ऊंचाई तक का पानी निकल गया, फिर उससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना पानी बचा है। और जब ये कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद हमने दोनों की धारिता मतलब आयतन में अनुपात निकाल दिया, उनको कंपेयर कर लिया, तुलना कर ली उसकी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ही लो इसके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, 10वां उदाहरण है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है या बदला जाता है, जो भी आप समझो, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है इसमें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक बार मैं डायग्राम बना दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है, तो व्यास दे रखा है, लंबाई दे रखा है, तो बेलन ही बनेगा ये, तो बेलनाकार एक तांबे की छड़ है इस तरह की, ये बेलनाकार तांबे की एक छड़ बना दी मैंने, और 8 सेंटीमीटर लंबी है तो ये 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई ले ली, और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, मतलब व्यास 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये इस तरह की है। ऑब्वियसली ठोस है ये, एकदम सॉलिड है ये, जो भी है, और हमें क्या करना है, हमें इसको खींचना है, या कह लो कि इसको लिक्विड में बदल करके तार बनाने हैं इसके छोटे छोटे लंबाई वाले। ऑब्वियसली इतना मोटा तार तो नहीं होता ना, जो बिजली के तार होते हैं उसके अंदर जो तांबा होता है उसका व्यास कितना कम होता है या त्रिज्या कितनी कम होती है उसकी, उस तरह का यहां पर आइटम बनाना है। तो यहां से इसको कन्वर्ट करना है दूसरे ठोस में जो इस तरह के तार हो, मतलब पतला बेलन एक तरीके से, वो भी बेलनाकार ही होते हैं तार। अब ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा हो गया, बाकी आप एडजस्ट कर लेना, ये इस तरह का लगभग बेलनाकार होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, बल्कि इसने तो बोला है 18 मीटर बड़ा होगा। अब 18 मीटर तो मैं यहाँ बोर्ड पे बना नहीं सकता, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, इसमें 18 मीटर लंबा है और चौड़ाई इसकी नहीं दे रखी, हमें तार की मोटाई या कह लो चौड़ाई ही निकालनी है, व्यास ही बताना है इसका। हम एक काम करते हैं, त्रिज्या इसकी अज्यूम कर लेते हैं, ये व्यास जो है ना इसकी मोटाई, वो हमारे को क्वेश्चन में पूछा है, त्रिज्या इसकी अज्यूम कर लेते हैं। यहां की मान लो त्रिज्या R1 है, वो है 1/2 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर, और यहां की त्रिज्या R2 मान लेते हैं, ये इसकी हाइट है H2 मान लेते हैं, इसकी हाइट इसको H1 मान लेते हैं। अब हम शुरू कर सकते हैं, हमें क्या करना है, ये भी सॉलिड ही है तो इसको भी आप यूं ही समझो कि एकदम ठोस है, ये अंदर से भरा हुआ है पूरा, है ना। हमें बोला गया है कि इसको खींच करके, या ये समझ लो कि इसको पिघला करके इस शेप में बदला गया है, इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है, तो पहले वाले बेलन का आयतन बराबर है दूसरे बेलन का आयतन, और उससे फिर त्रिज्या निकल जाएगी आपकी। तो यहां पर लिखता हूं मैं, पहले बेलन का आयतन बराबर होगा दूसरे बेलन का आयतन, और अगर बराबर कर दिया है आपने तो फॉर्मूला लिखो, पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पहले वाले के लिए दोनों वन वन है तो R1H1, दूसरे वाले के लिए 2-2 है R2H2, क्या बनेगा, ये बनेगा पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगा R1 स्क्वायर, दैट मीन्स 0.5 × 0.5, या आप चाहो तो 1/2 ही रहने दो, आपकी चॉइस है, मैं 1/2 ही रहने देता हूं, कैलकुलेशन में ज्यादा आसान लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं ये 0.5 को तो हटा देता हूं और यहां पर 1/2 ही कर लेता हूं, तो ये 1/2 × 1/2 × H1 विच इज 8 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर, हमें निकालना है तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, H2 ध्यान से देखो आप, H2 18 मीटर दे रखी है, मीटर में नहीं रखनी अपने को, क्यों, क्योंकि हमने यहां तो सेंटीमीटर ले लिया, इसको मीटर में ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आप इसको 1800 सेंटीमीटर लिख लो, 18 मीटर को 100 से गुणा करोगे तो 1800 सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और यहां पर आप लिख लोगे 1800, ये सेंटीमीटर में कर लिया हमने सर, ठीक है। क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे, 2 से ये कटा 4, 2 से ये कटा फिर से 2, तो 2 बराबर R2 स्क्वायर गुणा 1800, और 1800 डिवाइड में ले लोगे तो 2/1800 बराबर R2 स्क्वायर
काटोगे तो 1/900 बराबर आर टू स्क्वायर, और आर टू अगर आप निकालते हो तो अंडर रूट में 900 आएगा। अंडर रूट में 900 कितना बनेगा, 9 का अंडर रूट तो होता है 3, और 2 जीरो बाहर आकर के 1 जीरो बन जाती है। इतना सेंटीमीटर, इतना पतला वायर बनेगा। आप सोच के देखो कितनी कम त्रिज्या आई है उसकी, तो तार की मोटाई कितनी हो गई व्यास के बराबर। तो आप लिखोगे कि तार की मोटाई आएगी 2 गुणा R2, मतलब 2 गुणा 1/30, मतलब 1/15 सेंटीमीटर, जिसको आप अगर पॉइंट्स में लिखना चाहो तो पॉइंट्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स में ये बनेगा 0.066 इतना सेंटीमीटर। मिलीमीटर में बदलना चाहो तो मिलीमीटर में बदल सकते हो, 10 से डिवाइड दे करके 0.67 मिलीमीटर या 66 मिलीमीटर बन जाएगा। इस तरह से तार की मोटाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ आप बना रहे हो, उसी को पिघला करके या उसको खींचतान करके शेप में चेंज करके, तो आयतन समान रहेगा। आयतन पर विशेष ध्यान देना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ कोई रोल नहीं है, पूरे के पूरे प्रश्नावली में सिर्फ आयतन का ही रोल चलेगा। तो देखा जाए तो 13.2 और 13.3 दोनों आयतन से संबंधित ही हैं, दोनों प्रश्नावलियाँ सब में सेम आयतन की बात करनी है। एक लास्ट एग्जाम्पल और है इस प्रश्नावली में, 11वां एग्जाम्पल वो देखो। एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भी, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से समझें इसको। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्ध गोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। देखो शुरू करते हैं, आधी खाली कितने समय में हो जाएगी ये हमें दिखाना है। तो उसमें एक तो अर्ध गोलाकार यूं टंकी है, ये अर्ध गोलाकार टंकी है और ये हम खाली कर रहे हैं इसको। खाली किस रेट से हो रही है, ये हो रही है 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड, इतना स्पीड से ये खाली हो रही है, इतना लीटर पर सेकंड से इस स्पीड से खाली हो जा रही है। और हमें बताना है कि आधी खाली कितनी देर में हो जाएगी, अभी तो ये पूरी है, आधी खाली कितनी देर में हो जाएगी। आधी खाली मतलब इसका आधा आयतन कितनी देर में खाली हो जाएगा, अभी देखते हैं। उससे पहले इसने 3 मीटर इसकी व्यास दे रखी है, व्यास 3 मीटर है, इसका मतलब 3/2 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे हल में, हल ही चल रहा है एक तरीके से, यहीं से चल रहा है, तो आप यहाँ आर त्रिज्या लिखोगे, 3/2 मतलब 1.5 मीटर इसकी त्रिज्या होगी। अब आप इसका आयतन लो, टंकी का आयतन कितना, क्योंकि अर्धगोलाकार है और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, तो उसके हिसाब से 2/3 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा आर क्यूब मतलब 1.5 × 1.5 × 1.5। ये तो टंकी का आयतन है, हमें चाहिए खाली हुए पानी का आयतन, वो टंकी के आयतन का आधा है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि टंकी वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो खाली हुए पानी का आयतन कितना है, इस टंकी के आयतन का आधा, आधी खाली करनी है ना, तो खाली हुए पानी का आयतन अगर आप निकालना चाह रहे हो तो 1/2 कर लो गुणा टंकी का आयतन, मतलब टंकी के आयतन का आधा। ठीक है, जो कि होगा 1/2 × 2/3 × 22/7 × 1.5 × 1.5 × 1.5। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, लेकिन एक पॉइंट हटा करके नीचे आप चाहो तो 0 लगा लो, और फिर ये 3 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 11 बार। काफ़ी आसान कैलकुलेशन हो गई। अब 5.5 × 5.5 करना इतना मुश्किल नहीं है, फिलहाल मैं 11 × 1.5 × 1.5 मीटर क्यूब इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि मीटर में चल रहा था सब कुछ, तो मीटर क्यूब में आएगा आयतन। हालांकि हमें आयतन मीटर क्यूब में नहीं चाहिए, हमें सारा काम किस में चाहिए, लीटर के हिसाब से चाहिए। और लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब को, ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद कर लो इसको, क्योंकि इसमें काम आएगा और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कहीं पर ये फॉर्मूला, तो आपको याद होना ही चाहिए। ये 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो इतने मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, तो खाली हुए
पानी का आयतन फाइनली मिलेगा 11 गुणा 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1000, तो ये बन जाएगा 225, 225 का मतलब होता है 5 और 2 7, 4, 2, 0, मेरे ख्याल से इतना लीटर आ रहा है। एक मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ 7 भी बच रहा था नीचे, वो मैंने लिया नहीं, तो यहाँ बटे में 7 भी आएगा, सॉरी यहाँ बटे में 7 भी आएगा, वो कट नहीं रहा है किसी से, तो यहाँ भी बटे में 7 आएगा, तो यहाँ भी बटे में 7 आएगा। इतना लीटर पानी खाली हुआ है, कितने टाइम में खाली हुआ है हमारे को ये बताना है। हमें क्या बताना था, टंकी भरी हुई है, इसी स्पीड से पानी खाली हो रहा है, आधी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। हमने देखा कि आधी टंकी का आयतन तो इतना है और टंकी खाली इसी स्पीड से हो रही है। अब हमारे को बताना है कि इतना आयतन कितने टाइम में खाली हो जाएगा, कितने सेकंड में खाली हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, हम करेंगे कि 3 से ही 4/7 होता कितना है, ये वैसे 7 या 21, 21 और 4 25/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली हो रहा है, ठीक है, 25/7 लीटर। तो आप यहां लिखोगे कि 25/7 लीटर पानी को खाली होने में लगा समय बराबर 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 लीटर पानी को खाली होने में लगा समय बराबर, इसका उल्टा, ये उल्टा हो जाएगा, 7/25 सेकंड, बचपन में करते थे ना ऐसे, ये इधर डिवाइड में चला गया 1 के, तो उल्टा हो गया डिवाइड में जाते ही। अब 1 लीटर की जगह क्या है, यह है 24,750/7 लीटर पानी को खाली होने में लगा समय कितना हो जाएगा, 24,750/7 × 7/25, और ये 7 से 7 कट जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में, डिवाइड दोगे तो 990 सेकंड, और 990 सेकंड को अगर आप 60 से डिवाइड दे देते हो तो ये आता है 16.5 मिनट। इतने मिनट में आधी टंकी खाली हो जाएगी, ये हिसाब किताब है सॉल्व करने का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, उस तरह का नहीं था, थोड़ा बहुत चेंज था इसमें। तो आयतन हमें इक्वल करना है जब भी एक ठोस से दूसरे ठोस में रूपांतरण हो। तो बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.3 प्रश्नावली कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे और फिर लास्ट बचेगी केवल 13.4 प्रश्नावली। बाकी तब तक आप एक बार 13.3 प्रश्नावली घर पे सॉल्व करें, मुझे लगता है कि काफी सारे क्वेश्चंस तो आप खुद कर ही लोगे। कुछ एक दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको लेंगे और आप देखना कहाँ आप फंस रहे हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।